परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेके 18 तक वचन सुनेंगे और उसके बारे में मनन करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 10वां अध्याय। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरो। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है कि वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। पौलुस कुरिन्थी कलीसिया की विश्वासियों के लिए ये लिखा है। इसमें कैसे आत्मिक युद्ध में जय पाना है, कैसे आत्मिक हथियारों को हम पहनना है करके पौलुस इसमें उन लोगों को समझाया, उनको सिखाते हैं। क्योंकि इस कुरिन्थी कलीसिया के अंदर कुछ लोग पौल के विरोध में बात करते थे। वो लोग ऐसे कहते थे पौलुस शरीर के अनुसार चलने वाला, और कहते थे उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वो सामने होता है तो वह देह का निर्बल और उनका वचन भी जैसा ही वो पत्र में लिखता है वो ऐसा नहीं है करके वो लोग उनके विरोध में बात करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह का हूँ, जैसे आप मसीह का है वैसे ही जान लो करके, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार के विषय में मैं घमंड दिखाऊं, क्योंकि तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम लोग को बिगाड़ने के लिए वो अधिकार नहीं है, आपको बनाने के लिए हमें अधिकार दिया है, इसलिए मैं इसमें लज्जित ना होऊंगा, मैं इसके विषय में घमंड करता हूँ करके पौलुस कहते हैं। उसके बाद जैसे
हम लोग शरीर से चलते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते हैं। तुम लोग जैसे, क्योंकि वो लोग शरीर के अनुसार बात करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं। देखिए, शरीर के अनुसार हम चलेंगे मृत्यु को पातेंगे। रोमियो 8:13 में वचन लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसका मतलब है, ऐसे शारीरिक बात सेवक के विरोध में, भाई बहन के विरोध में, मैं सही हूँ, उनका ऐसा ही है, वो शरीर से चलता है, ये वैसा ही है करके हम कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो शरीर से हम चलते हैं, तो शरीर के अनुसार हम चलेंगे, हम मरेंगे, क्योंकि शरीर हमको मृत्यु की ओर, शरीर का जो भी विचार है वो मृत्यु की ओर लेके जाता है। लेकिन हम आत्मा के द्वारा हमारा शरीर के कामों को, क्रियाओं को, ऐसे ऐसे विचारों को हम मारेंगे, हम जीवित रहेंगे। सबके जीवन में देखिए, हमारा दिमाग में ये लड़ाई होती है, सब दिमाग के अंदर ही होता है, क्योंकि शैतान विचारों के द्वारा दिमाग के अंदर आ जाता है, आके अपनी गड्ढ को वो बनाता है, उस विचार एक जड जैसे ही इंसान के अंदर चला जाता है, उसके बाद उसके द्वारा उनका शब्द बाहर आती है, उनका काम क्रिया में भी वो बाहर दिखता है, तो उनका बातचीत से और उनकी कामों के द्वारा हमको समझ पाते हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार है करके, क्योंकि ये शैतान का कार्य यही है। कलिशिया के अंदर ऐसे ही, तुम बड़ा, मैं बड़ा, तुम छोटा, तुमको ये नहीं आता, मुझे सब कुछ आता, मैं ही सही हूँ, वो सही नहीं है, ऐसे ही दूसरे को दुच्छ देखने के लिए शैतान ये काम को करता है। सेवक लोग के विरोध में भी वो ऐसे विचारों को डालता है। देखिए, इधर पौलुस के विरोध में कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, पौलुस के द्वारा इन लोगों को सुसमाचार बताया गया, उसके द्वारा उन लोग आज अच्छा है, अच्छा होने के बाद सेवक लोग के विरोध में ऐसे ही बोलते हैं, वो शरीर के अनुसार चलता है, उनका देख देखो, उनका लटर तो ऐसे ही गंभीरता से सब कुछ कहते हैं, लेकिन उनका देख देखो। देखिए, हम इस दुनिया में शरीर में ही रहते हैं, हमारा शरीर कमजोरी है, लेकिन अंदर की आत्मा देखिए बलवंत होते जा रहा है। वैसे पौलुस के अंदर सुसमाचार का ताकत उनका बल देता है। वही उसके बाद वचन में कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हम यहाँ के शरीर के हथियार से हम लड़ते नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ को गिराना आसान काम नहीं है, लेकिन गढ़ को ढा देने का सामर्थ्य उनके अंदर है करके पौलुस कहता है, क्योंकि उनकी देह के बारे में बोलते हैं, उनका शरीर देखो निर्बल है। देखिए, शरीर से हम किसी को देखना नहीं है, परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे बल है गढ़ों को गिराने के लिए। वो कहां से आया? उसको सुसमाचार के द्वारा मिला है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार पाने वाला के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हम गढ़ों को ढा देते हैं। वही पौलुस कहता है, मेरी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ से मैं गढ़ों को ढा देता हूँ, ऐसे ही उनका कामों को मैं नाश करता हूँ करके कहता है। और 5वां वचन में, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों का, मतलब दूसरे के बारे में विचार आता है,
वो वैसा ही है, ये ऐसा ही है, ये देख कैसे चलता है, ये देख कैसे बात करता है, वो कहाँ जाता है, इसका देखना कितना घमंड है। ऐसे ऐसे दूसरे के विरोध में हमारे अंदर बात आते रहता है। भले वो लोग ऐसे नहीं भी होंगे लेकिन हमारे अंदर आते रहता है ऐसे बातों को, ऊंची बात, अपने को ऊंचा देखना, दूसरे को दुच्छ समझना, ऐसे ऊंची ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो वचन के विरोध में, वचन कहता है उसके विरोध में आएगा बात, तो परमेश्वर की हम पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे विरोध में उठने वाला घमंडी बातों को जो नम्र है वो परमेश्वर के वचन को मान लेता है, उसके बाद उसका मन परमेश्वर की ओर मुड़ता है, वो परमेश्वर से माफी मांगता है। लेकिन जो परमेश्वर की जानना नहीं चाहता है उसके अंदर घमंड की बात आती है, ये सब मूर्खता है। लिखा ना एक कुरिन्थियों में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनको मूर्खता लगती है, ऊंची ऊंची बातों से घमंड करते हैं। ऐसे ही बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसको हम खंडन करते हैं, उसका हम सामना करते हैं, और हर एक भावना को हम कैद करते हैं, उसको हम अरेस्ट करते हैं, उसको सामना भी करते हैं, उसको अरेस्ट भी करते हैं, फिर उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब मसीह के पावों तले, जैसे पिता परमेश्वर ने सब कुछ उनके पावों तले कर दिया, जो भी हमारा विरोध में हमारे अंदर जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की बल के द्वारा हम सब कुछ उनका आज्ञाकारी बना देते हैं। एक बार परमेश्वर की आज्ञाकारी बन जाएगा वो वापस वो बाहर नहीं आ पाएगा, सब उनके बात मानेगा। शैतान भी खापता है यीशु के सामने, सुसमाचार का सामर्थ गढ़ों को ढा देने के लिए, ऊंची बातों को सबको पूरा कैद करके खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है करके पौलुस इधर कहता है। क्योंकि वो कहता है जैसे ही तुम मसीह का है वैसे मैं भी मसीह का हूं करके तुम सोचो समझो। हम आपको बनाने के लिए परमेश्वर की अधिकार हमें दिया है, उससे हम आपको सिखाते हैं, अगर सही रास्ता पे नहीं चलते हैं तो हम बताते हैं करके। लेकिन देखिए ऐसे ही लोग बदलेंगे तो परमेश्वर की राज्य उनके अंदर आ जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 12 वचन में लिखा है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा आप करते हैं, अपने बारे में प्रशंसा करते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इतना घंटा प्रार्थना किया, मैं ऐसा ही उपवास किया हूँ, मैं तो ऐसा ही दान दिया हूँ, मैं ऐसा ही किया हूँ, मैं वैसे ही किया हूँ करके। देखिए कुछ कुछ लोग, मैं ये काम किया, मेरे अंदर ऐसा ही खूबी है, मैं ऐसा ही पढ़ता हूँ, इतना मार्क, सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिला होगा, लेकिन अपने आप प्रशंसा करते रहेंगे वो परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बात है। और अपने आप को आपस में वो लोग नापते हैं, नाप तोल कर एक दूसरे से मिलन करके मूर्ख ठहरते हैं, अपने आप को नापेंगे, हाँ हम सही है, मैं अच्छा सा आराधना करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मैं सही हूँ, मैं किसी को भी बुरा नहीं सोचता हूँ, ऐसे ऐसे करके अपने बारे में वो लोग नाप के दूसरे से मिलन करते हैं। हम एक दूसरे से हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए करके हम देखते हैं। अगर एक भाई बहन सफलता होके बढ़ते हैं, उनका सफलता को देखकर हम अपना तुलना नहीं करना चाहिए, और विश्वासी भाई बहन कुछ उपकार करते हैं उनका उपकारों से हमारा उपकारों को हम तुलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं एक हमारे अंदर घमंड को लाता है,
दूसरा हमारे अंदर उदास को लाता है। ये दोनों भी शैतान की कार्य है, घमंड, हम परमेश्वर को ही घमंड करना, लेकिन अपने आप को घमंड में लाएगा। दूसरा उदास, उदास शैतान का है, हमारा नहीं है, हमको खुशी आनंद परमेश्वर ने दिया है। तो ये सब शैतान के काम होती है। तो दूसरे के साथ हम लोग तुलना करते रहेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं ऐसे ही आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए हमको हथियार दिया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से हमारा लड़ाई की हथियार आती है। वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक हथियार है। वो आत्मिक हथियार क्या है हम देखेंगे। रोमियो 6:13 में लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। हम पाप के लिए हमारा अंगों को सौंपना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आंख पहले विचारों के द्वारा शैतान अंदर आता है, मन उसको स्वीकार कर देता है, तो अपना काम वो शुरू करता है। तो सही किए तो भी, हमारा भाई बहन लोग सही काम किए तो भी हमारा आंख गलती दिखाएगा, क्योंकि विचार आ गया शैतान की ओर से, ये ऐसा ही है, तुम ही सही हो, वो सही नहीं करता है, तुम ही सही करता है। तुरंत उसको ऐसे ही देखते हैं, वो जो अच्छा किया तो भी हमारा आंख गलती देखेगा। कान देखिए शैतान के लिए हो गया, वो उनका बात सुनता है, तो मुंह से भी उनके विरोध में ऐसे ऐसे बात आ जाएगा। तो हमारा शरीरों को, तो फिर हमारा शरीर भी उसकी ओर चलता है, वो मृत्यु को लाता है। वही है हमारा शरीर की अंगों को अधर्म के लिए, अधर्म के हथियार को। देखिए हमारा शरीर को दो तरफ के हम बन सकते, दे सकते हैं हथियार, एक पाप के लिए सौंपना, एक परमेश्वर के लिए सौंपना। हम ही उसको जगा देते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम पाप के लिए मर चुके हैं, यीशु मसीह क्रूस पे मरा गया, उसके साथ हम पाप के लिए मर चुके हैं, इसलिए हम पाप के लिए हमारा शरीर को सौंपना नहीं चाहिए। बाद में देखिए, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर के सौंपो। वही है यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, ऐसे ही हमारा शरीर को हम जानकर हम परमेश्वर के लिए सौंपना चाहिए। हम भी यीशु मसीह के द्वारा हम नया जीवन मिल गया है हमें, तो और हमारे अंगों को धर्मी के हथियार होने के लिए परमेश्वर के सौंपो। धर्म, धर्म का हथियार, परमेश्वर की धर्मिकता हमारे जीवन में आया है अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के लिए हमको हमारा शरीर को सौंपना चाहिए, हमारा अंगों को। और हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:8 में, पर हम जो दिन के हैं, हम दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहे। हम दिन के हैं, हम विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर, हम उद्धार की आशा की टोपी पहनकर हम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति के हथियारों को पहनना चाहिए, मसीह को हम पहनना चाहिए, मसीह के विचारों को हम पहनना चाहिए। ये सब परमेश्वर की हथियार है। रोमियो 13:12 में लिखा है, रात बीत गई है और दिन निकलने पर है। वही लिखा है, हम दिन के हैं, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। अंधकार के कामों को हम नाश करना चाहिए। ज्योति में देखिए सब कुछ दिखेगा, अंधकार में कुछ नहीं दिखेगा। अंधकार में हम कहां जाते हैं, क्या देखते हैं, सब अंधेरा ही दिखेगा। उसमें नफरत है, उसमें अविश्वास की बात है, लेकिन दिन के हम ज्योति के संतान है, हमारे लिए विश्वास और प्रेम है, ज्योति लाता है। उस ज्योति में चलने के लिए हमको ज्योति के हथियार बांधना चाहिए, हम ज्योति के हथियार और धर्म के हथियार हमको पहनकर
हम परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, उनका विश्वास मेरे अंदर है, उनका प्रेम मेरे अंदर है, वो मुझे प्रेम करते हैं करके हम उस हथियारों को हम पहनना है, तब हम इस आत्मिक युद्ध में हम जीत सकते हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां नफरत आ जाता है, वही इसमें लिखा है। पौलुस के बारे में विरोध में बात करते हैं, क्यों? प्रेम नहीं है, प्रेम एकता नहीं है। कलिशिया के अंदर शैतान यही लाना चाहता है, हमारे संगति को बिगाड़ना चाहता है, ऐसे ऐसे बातों को अंदर डालकर विश्वासी भाई बहन के विरोध में वो ऐसे बोल दिया, मैं आज कलिशिया नहीं जाऊंगा, ऐसे करके परमेश्वर से दूर लेके जाता है। अगर सेवक लोग कुछ अच्छे बातों को विश्वासी भाई बहन को प्रेम से कुछ बोल देते हैं, गुस्सा आता है, फिर दूसरे बार वो लोग कलिशिया आना ही छोड़ देते हैं। पौलुस वही कहता है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट से बोलता हूँ लेकिन आपको बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए कुछ गलत काम करते हैं तो मैं डांटता हूँ। पहले भी हम देखे हैं सिस्टर जी का मैसेज में, माँ बाप बच्चे को मारते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए वो वापस वो बच्चा माँ के पास पापा के पास दौड़ के आते हैं। क्यों मारते हैं? उनके ऊपर प्रेम है, मेरा बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए करके माँ बाप मारते हैं। लेकिन देखिए विश्वासी भाई बहन को मारना ऐसा नहीं है, उनको अच्छी बातों को थोड़ा समझाते हैं, कभी कभी गुस्सा से दो तीन शब्द बोले होंगे, वो भी उनके अच्छे के लिए, तभी वो लोग मन फिराए, हाँ बच्चन ऐसे कहता है भाई आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ लेना हमारा गलती को परमेश्वर सेवक लोग के द्वारा हमको सिखा रहे हैं। हम सब लोग इंसान हैं, सबके अंदर गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन हमको एकता में जाने के लिए सिखाते हैं। एक ही लहू से हम सब लोग धोए गए हैं, एक ही नाम से हम जुड़ गए हैं, हम एक ही मसीह परिवार बन गए हैं। तो इसमें ऊंची बात नीची बात दूसरे को दुच्छ देखना ये सब बातों नहीं है, ये सब शारीरिक कामों है। ये शारीरिक काम को हमको नाश करना चाहिए, लेकिन शारीरिक हथियार से नहीं है, हम आत्मिक हथियारों को लेकर ऐसे कामों को हम नाश करेंगे करके पौलुस इधर कहते हैं। इफिसियों 6 में आत्मिक युद्ध के हथियार में हथियार के बारे में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, पहन लो करके, सत्य से अपनी कमर खसकर बांध लो, धर्मिकता की झिलम पहन लो, और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते को पहन लो। इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और उद्धार के टोप पहन लो, आत्मिक तलवार परमेश्वर की वचन उसको ले लो करके पूरा आत्मिक हथियार के बारे में इसमें लिखा है। ये सब हमेशा हम पहन के रहना, क्योंकि हमारा दिमाग में ही युद्ध होती है, वो युद्ध का मैदान जैसा ही है, उसमें ये हमेशा हर प्रतिदिन जब तक हम दुनिया में जिएंगे तब तक हम इसको पहनते ही रहना। शैतान अब हमारे दिमाग में मजबूत गढ़ों को बैठाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पौलुस जानते थे आत्मिक युद्ध के साथ हमारी दिमाग युद्ध भी है, हर प्रतिदिन ये लड़ाई होते रहता है, लेकिन अपनी लड़ाई हम ऐसा नहीं लड़ते हैं शारीरिक रीति से। दुनिया वाला भी ऐसा लड़ते हैं, वो लोग शरीर से लड़ते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लड़ेंगे, हम आत्मिक हथियारों को पहनकर, हम ज्योति के हथियारों को पहनकर, हम धर्मी के हथियारों को, हमारा शरीर को सोम देखकर, परमेश्वर के लिए सोम देखकर, हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा हम शैतान के गढ़ों को हम ढा देते हैं,
हर एक ऊंची बातों को हम खंडन करके कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। ऐसे सामर्थ्य दैवीय सामर्थ्य पौलुस उस हथियार के द्वारा वो गढ़ों को मजबूत गढ़ों को भी डा देता है। मसीह से जुड़ होने से ये सामर्थ्य में मिलती है, सुसमाचार के द्वारा ही ये सामर्थ्य में मिलता है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, पौलुस कहता है परमेश्वर मुझे अधिकार दिया बनाने के लिए, आप लोगों को बनाने के लिए अधिकार दिया है करके। हम दूसरे के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, हम दूसरे को विरोध में बात नहीं करना चाहिए, हम दूसरे को दुच्छ नहीं देखना चाहिए। ये सब शैतान की काम है, ये हमारे अंदर आकर ऐसे काम करता है, हमको कलीसिया से दूर लेके जाता है, हम संगति से हमको दूर लेके जाता है, लेकिन हम इसके लिए हम जगह नहीं देना है, सुसमाचार को सुनाना है। पौलुस कहता है जहां जगह अभी तक सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहां मैं जाके सुनाऊंगा करके। ऐसे ही विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश है, सुसमाचार है, वो जीवन को बदलने वाला है, हमारा संस्कृति को बदलता है, ये दुनिया को भी बदलेगा, बदलता है। ऐसे ही सुसमाचार का सामर्थ इतना डुनामिस पावर से भी ज्यादा है, जैसे एक बीज के अंदर जो जीवन है वो कितनी भी बड़े पत्थर हो उसको तोड़ के वो बाहर निकल के आएगा, ऐसे ही हमारा सुसमाचार पत्थर की हृदयों को भी वो पिघला देता है, मांस की हृदय देता है, पवित्र आत्मा ये काम करता है। सुसमाचार के अंदर इतनी सामर्थ्य है, मजबूत गढ़ों को भी वो गिरा देता है, शैतान को भगाता है। हमारा परमेश्वर अच्छा है, कलीसिया के अंदर हम एकता में रहना है, एकता एक बड़ा हथियार है। हम एफिसियो 6 में देखते हैं, सब हथियार पहनने के बाद पौलुस कहता है सबके लिए प्रार्थना करना, सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना प्रार्थना करना, विनती करते रहो, जागते रहो, पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार है, एकता एक हथियार है, सुसमाचार हथियार है। ये सब को पहन के ये आत्मिक युद्ध में हम जय पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं। इसलिए हम घमंड करना तो हम परमेश्वर का ही घमंड करना, लास्ट में लिखा है 17 वचन में लिखता है, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं है, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण योग्य जाता है। अपना बड़ाई नहीं, अपने आप को बड़ाई करते रहना वो नहीं है। हम जो भी काम करते हैं हमको परमेश्वर की ओर से बड़ाई आना है, प्रभु करता है। तुम अपने काम करते रहो, तुम चार दीवार के अंदर भी काम करते रहो, सच्चे मन से प्रभु के ऊपर प्रेम से वो काम करते रहो, तुम्हारा बड़ाई परमेश्वर करेगा, वही परमेश्वर के लिए ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु इस मधुर वचन के लिए, हमको भी प्रभु हमारा जीवन में प्रभु आपके लिए प्रभु धार्मिक का हथियार प्रभु बन के हमारा अंगों को प्रभु आपके लिए सोम देने के लिए हमको मदद कीजिए। अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधने के लिए हमको मदद कीजिए। हालेलुया प्रभु, क्रूस की कथा हमारे लिए प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे अंदर लाता है, उद्धार के लिए प्रभु उद्धार हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को लाता है, सुसमाचार हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य को लाता है। इस आत्मिक युद्ध में इस आत्मिक हथियारों को पहनकर जय पाने के लिए हर प्रतिदिन हम सबको हमारा भाई बहन को सबको प्रभु मदद कीजिए। आपका बलवंत हाथों के अंदर सोम देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन।